हेलो फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लासेस संचालित नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस चलाने की ज़रूरत पड़ी है। हम लोगों ने भी एक प्रयास शुरू किया है और आप सब लोगों का सहयोग उसमें अपेक्षित है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वहाँ रह करके भी आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इस उद्देश्य से हमने ये क्लासेस शुरू की हैं। तो आप सब लोग इस पे घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ और मैथ में मैंने शुरुआत से ही चैप्टर उठाए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका घातांक सिद्धांत का। तो घातांक सिद्धांत से हम लोग शुरू करेंगे। घातांक सिद्धांत में जो नाम है घातांक सिद्धांत, उसमें हमको जो पढ़ना है उसमें घात के बारे में पढ़ना है। घातांक सिद्धांत को अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करके देखें तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, घातांक, घात धन अंक। अब ये घात क्या है? अगर कहीं दो संख्याएं जैसे ए गुणे ए लिखी हैं तो हम ए की पावर दो या ए की घात दो इसको पढ़ते हैं। तो इसमें जो ये दो संख्या होती है ये घात है और ये जो ए है ये आधार है। तो घात जो इस पे पावर लगी होती है उसको हम घात कहते हैं। और इसी का सिद्धांत है, इस पे इसी की थ्योरी के बारे में हमको अध्ययन करना है। ये जो घात लगी है या पावर है, कहीं कहीं पावर इंग्लिश में इसको कहते हैं और हिंदी में घात, तो इसी का हमको अध्ययन करना है और इसी के अध्ययन के बारे में हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अगर दो संख्याएं लिखी हैं तो पावर दो लिख दिया जाता है। अगर कहीं पे तीन संख्याएं लिखी हैं जैसे ए गुड़े ए गुड़े ए तीन बार लिखी है तो ए की पावर तीन लिख दिया जाता है। अगर चार बार लिखी हैं संख्याएं तो चार लिख दिया जाएगा। पांच बार लिखी हैं तो पांच लिख दिया जाएगा। और इसका जो पहला नियम है, घातांक सिद्धांत का पहला नियम, वो ये है कि दो या दो से अधिक संख्याएं अगर गुणा में हैं और दोनों के आधार बराबर हैं तो हम एक आधार लिख के उनकी घातों को जोड़ देते हैं। ये पहला नियम है इसका। जैसे ए की पावर m गुणे ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, इसमें घातें जुड़ गए। दूसरा नियम इसका ये है कि अगर दो या दो संख्याएं दो से अधिक भी हो सकती हैं, अगर एक दूसरे के साथ भाग में हो, जैसे ए की पावर m और भागे ए की पावर n ऐसे लिखी हैं, तो हम इसमें एक आधार लिख कर घातों को घटा देते हैं, m माइनस n। ये दूसरा नियम। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। जैसे कहीं 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5 लिखा है तो इसमें हम इन घातों को जोड़ करके एक आधार लिख के और 3 5 जोड़ के 8 लिख देते हैं, 2 की पावर 8। 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर 8। और कहीं घटाने वाली अगर बात है, ये जहाँ पे घटता है भाग में है संख्या है, जैसे 3 की पावर 8 लिखा है गुणे 3 की पावर 5, तो वो भागे 3 की पावर 5 लिखा है। तो इसमें हाँ, एक कंडीशन ये है कि इसमें आधार जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, आधार दोनों में दोनों तरफ बराबर हो, तभी ये नियम लगता। 3 की पावर 3 हो जाएगा, 8 में 5 घट जाएगा और ये हो जाएगा 3 की पावर 3, इसका मान आ जाएगा 27। इसमें थोड़ा घातांक सिद्धांत में पढ़ने के लिए आपको स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, खुद से लिख के इसको कर सकते हैं, बाकी सारे सवाल आपकी समझ में आ जाएंगे। इसके बाद इसका तीसरा नियम ये है कि कहीं कोई संख्या अगर अंडर रूट पे लिखी है, जैसे ये अंडर रूट ए लिखा, तो इस पे जो पावर लगेगी ए के ऊपर वो 1/2 पावर लगेगी। अगर कहीं संख्या उसमें लिखी है करणी में लिखी है तो पावर में 1/3 लग जाएगा, 1/3। इसी तरह से कुछ भी पावर पे लिखा हो, यहाँ पे 4 लिखा है तो ए लिखा है तो ए की पावर हो जाएगा 1/4। अगर यन लिखा है अंडर रूट के बाहर और ए लिखी है संख्या अंदर तो ए की पावर 1/n हो जाएगा। इसके बाद जो इसका पांचवा नियम है ये कि कोष्टक के अंदर अगर कोई संख्याएं दो या दो से अधिक संख्याएं लिखी हैं और पावर कोई भी संख्या बाहर लगी है कोष्टक के, तो
तो वो दोनों में आकर के लगती है। जैसे ए और बी की पावर एन लिखा है तो ये ए की पावर भी एन होगा और बी की पावर भी एन लगेगा। इसी तरह से इसका अगला नियम है कि अगर कहीं बटे में संख्याएं लिखी हों ए बटे बी और पावर लिखा है एन तो ये ए की पावर एन और बी की पावर एन, नीचे बटे में बी की पावर एन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोष्टक के बाहर कोई संख्याएं लिखी हैं तो उस पे आपके दोनों में लग जाएगा, मैंने कि दोनों में लग जाएगा, ठीक है। अगर सातवां नियम, अगला जो नियम है वो ये है कि अगर बराबर के इस उस पार आधार बराबर हो, जैसे x की पावर y इज इक्वल टू x की पावर z लिखा, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि x दोनों तरफ आधार बराबर हैं तो यहाँ पे जो घातें होंगी वो भी बराबर होंगी y बराबर z के होगा। और इसी तरह से अगर कहीं घातें बराबर हों, आधार अलग अलग हों, तो आधार भी बराबर होंगे। जैसे x की पावर a बराबर y की पावर a लिखा है, अब यहाँ पे घातें बराबर हैं तो जब घातें बराबर होंगी तो आधार भी बराबर होंगे, x का मान y के मान के बराबर होगा। ये घातांक सिद्धांत का नियम। अगला नियम यह है कि घातांक सिद्धांत में किसी संख्या पे अगर पावर जीरो लगी हो, संख्या में अगर पावर जीरो लगी है तो उसका मान हमेशा और हमेशा एक होगा। जैसे x की पावर जीरो तो इसका मान एक हो जाएगा। कोई संख्या है, डिजिट है, उसकी पावर भी जीरो लगी है, जैसे 20 की पावर जीरो तो इसका मान भी एक हो जाएगा। इस तरह से अगर किसी संख्या में पावर जीरो लगी रहती है, संख्या कुछ भी हो, तो उसका मान हमेशा एक हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इस पे, जैसे कहीं संख्या लिखी रहती है 2 की पावर 3 की पावर 2 और इसी तरह से 2 की पावर 3 की पावर 2, इस तरह से संख्याएं लिखी हैं, दोनों सेम संख्याएं लिखी हैं, केवल कोष्टक का अंतर है, तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम इसको हल करते हैं तो ये इस पे पावर, पहले इसको देखते हैं हम, ये 3 की पावर 2 इसको हम हल करेंगे और 3 की पावर 2 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 और इसका जो मान होगा ये हो जाएगा 512। और इस पे जब हम देखेंगे तो ये 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा है, कोष्टक खुलता है जब, तो ये इसके साथ गुणा में आएगी संख्या 2 की पावर 3 गुणे 2 और ये हो जाएगा 3 × 6 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 यानी 64। 2 की पावर 6 का मान 64 होता है। तो देखिए संख्याएं सेम लिखी थी, सिर्फ अंतर था लिखने का, एक कोष्टक के अंदर लिखी है और एक में कोष्टक नहीं लगा, जिसका मान 512 आया है और दूसरे का मान 64 आया, तो इस चीज को भी ध्यान देना है। तो ये फार्मूले हो गए जो इसके थे, जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले। अब इसके कुछ सवालों को हम हल करते हैं और जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं वो बहुत सरल सवाल आते हैं, बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं। हम लोगों की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होनी है क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम देना है और कंपटीशन के हिसाब से हम लोग तैयारी करवाते हैं, इसलिए कंपटीशन में जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं का हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और उन्हीं पर ध्यान देंगे। तो इनके सवालों को हम देखते हैं जो आपके चैप्टर में सवाल हैं उन पर गौर करते हैं और उसमें से पहला सवाल देखिए, जो पहला सवाल है ये कह रहा है कि अगर 27 की पावर 2/3 हो, 27 की पावर 2/3 तो इसका कह रहा है मान क्या होगा, 27 की पावर 2/3 का मान क्या होगा। 27 की पावर 2/3 को हम देखते हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा, जो बटे में संख्या रहती है हमेशा ये जो नंबर होता है ये पावर जो बनाता है वो इसके गुणज में होता है, कहीं ना कहीं इससे कटता रहता है, ये रहता है, ऐसे ही होता है संख्या। जैसे 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और इस पे हमने कोष्टक रख दिया, 27 को 3 की पावर 3 और पावर 2/3। अब ये जब इसका कोष्टक खुलेगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणे 2/3
और इस तीन से इस तीन को काट देंगे, हमारे पास बचेगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मान सब लोग जानते हैं 3 त्रिकाई 9, चूंकि 2 पावर लगी है इस बार 2 बार आपस में गुणा होगा संख्याओं का और 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। दूसरा सवाल हम देखते हैं तो दूसरा सवाल कह रहा है 1064 की पावर -2/3 हो, 1064 की पावर -2/3 इसका मान क्या होगा। तो एक चीज थोड़ा सा पीछे बताने के लिए रह गई थी कि बटे के ऊपर या नीचे जाने पर संख्याओं के जो घातों का चिन्ह है वो बदल जाता है। ये हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कहीं पे 1 की पावर m लिखा है, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए 1 की पावर -m लिखा है सपोज, तो इसको हम अगर बटे के नीचे ले आए 1/a की पावर, ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा। अगर नीचे से संख्या ऊपर जाती है तो भी ये चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर नीचे जाने पर जो घात का चिन्ह है वो बदल जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1000, चूंकि अभी हमने बताया कि कोष्टक के अंदर जो संख्याएं हैं और इसमें जो पावर लगी होती है ये पावर दोनों में 1000 में भी और 64 में भी लगेगी, तो ये 1000 की पावर -2/3 और ये -2/3 की पावर 64 पे भी लग जाएगी, 64 की पावर -2/3। अब इसको ऊपर ले जाएं 64 को और 1000 की पावर -2/3 को नीचे ले आएं तो ये जो घात का चिन्ह है ये चेंज हो जाएगा। तो ये 64 की पावर 2/3 और 1000 की पावर 2/3 दोनों प्लस में हो। अब हमने बताया कि ये जो बटे में संख्या लिखी रहती है, जैसे 2/3 2/3, तो नीचे 3 है, 1064 दोनों को हमें इसके गुणज में ही तोड़ना है, 3 से जिससे कट जाए। अब आपने 64 को कई प्रकार से तोड़ सकते हैं, देखा होगा कि 2 की पावर 6 अभी हमने जस्ट पीछे बताया, उसके अलावा 64 को 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो ये 2-3 प्रकार से टूटता है, लेकिन हमें यहाँ जरूरत 3 की है, तो हम इस 64 को तोड़ेंगे 4 की पावर 3 में, 4 की पावर 3 की पावर 2/3 / 10, 1000 को हम तोड़ेंगे 10 की पावर 3 और power 2/3। अब इसको आप ओपन करेंगे तो 4 की पावर 3 × 2/3 / 10 की पावर 3 × 2/3, 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 4 की पावर 2 / 10 की पावर 2 और ये हो जाएगा 4 × 16 / 100। इसको अभी काट सकते हैं आप, 4 से कटेगा ये, तो 4 × 16 और 25 कट जाएगा, इससे 25 आ जाएगा नीचे, 100 को 4 से काटेंगे तो इसका आंसर 4/25। आंसर कई बार विकल्पों पे भी निर्भर करता है, कहाँ पे क्या रखा है, हो सकता है 4 का स्क्वायर / 10 का स्क्वायर लिखा हो या 16/100 भी आंसर लिखा हो या 0.10 लिख सकता है इसको, तो वो विकल्प के ऊपर निर्भर करेगा। आपको हर तरह से पता होना चाहिए कि इनका मतलब एक ही हो जाएगा। अगला सवाल नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो अगला सवाल है वो आप आपकी किताब में जो अगला सवाल है वो कह रहा है अगर √x, हालांकि करड़ी लगी है इसमें, करड़ी x और √6x/4x³ और √9 और इसके बाद x^6 ये लिखा है सवाल, तो इसको कह रहा है इसका मान क्या होगा या इसको सरल करिए। तो अब आपको इस पे हमने बताया कि जहां ये संख्या लगी रहती है ये पावर में बटे में जाती है, x^3 × x^1/6 और x^3, ये चूंकि 3 इसमें लगा हुआ है तो 3/4 / x^6/9 हो जाएगा।
और इसको जब हम हल करेंगे तो ये चूंकि मल्टीप्लाई है आपस में, तो ये आधार दोनों के बराबर हैं। और घातांक सिद्धांत का पहला नियम कहता है कि अगर आधार बराबर हो, आपस में संख्याओं का गुणा हो, तो घातों को जोड़ देते हैं। तो x की पावर 1/3 + 1/6। और नीचे इस पे आप थोड़ा सा इसको सरल कर सकते हैं, 1 × 3 × 6 और 3 × 9 2/3 भी इसको लिख सकते हैं, 6/9 को। तो हमने इसको थोड़ा सा सरल किया, x की पावर 3/4 प्लस घातों को जोड़ देंगे इसके भी 2/3। अब भिन्नों का जोड़ आपको आना चाहिए, अगर भिन्नों का जोड़ आता है तो आप इसको हल कर लेंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 6 + 3/18। अपने तरीके से आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, और इसमें आ जाएगा x की पावर 9 + 8/12। ये आपका हो जाएगा x की पावर 9/18 और ये हो जाएगा x की पावर 17/12। अब दो संख्याएं, दोनों के आधार बराबर हैं और आपस में भाग है, तो इन संख्याओं को हम घातों को घटा देते हैं एक आधार लिख के। x की पावर 9/18 को आप 1/2 लिख सकते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 और ये हो जाएगा −17/12। अब इसको आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 12 − 34/24 और ये जब इस पे घटाएंगे तो x की पावर −22/24। अब इसको काटेंगे आप तो x की पावर −11/12 हो जाएगा। अब माइनस पावर लगी है तो इसका एक तरीका इसके रखने का ये भी है कि आप इसको नीचे ले जाएं तो 1/(x^11/12। और हमने बताया कि इस पे परीक्षाओं पे दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, तो इसको 1/√ लगाएंगे आप, यहाँ पे 12 लिखेंगे, x की पावर 11। ये भी आंसर इसका हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो विकल्पों के आधार पे इसके आंसर बनेंगे। तो इस तरह से ये सवाल आपका हल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल, जो इसके सरल सवाल हैं वो देखिए, और जिनकी ज़रूरत है चैप्टर में हैं आपके सवाल। जैसे एक सवाल आपसे इसने पूछा कि 2 × (x+2) + 2 × (x+1) = 48 हो तो इसमें x का मान बताना है आपको, हल करना है कि x का मान क्या होगा, कि x का मान क्या होगा। और इसके दो तरीके हैं लगाने के, एक तो आप विकल्प देख करके सवालों को हल कर सकते हैं, दूसरा सवालों को आप हल करके भी निकाल सकते हैं आंसर। क्योंकि कंपटीशन में प्रयास ये करना चाहिए कि जितना सरल तरीके से और जल्दी आंसर आ जाए उस तरीके से हमको प्रयोग करने चाहिए। जैसे इसके विकल्प सपोज दैट दिए हैं 5, 4, 3 और 0, इनमें से कोई नहीं। पहला विकल्प ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, डी नंबर। तो हम इस पे विकल्पों को देख करके कैसे लगाएंगे या किस तरह से हल करेंगे, ये चूंकि जल्दी हो जाएगा और आसानी से आ भी जाएगा इसका आंसर। तो जहां पर भी x लिखा है वहां पे आप पहला विकल्प उठाइए और उसका मान रख दीजिए। तो पहले विकल्प में x का मान 5 दिए, और 5 मान अगर आप रखेंगे तो ये 2 × 5 + 2 + 2 × 5 + 1। अब इसको हल करके देखेंगे क्या 48 आ रहा है। अगर 48 आता है तो हमारा आंसर पहला विकल्प सही हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो हम दूसरे तरीके से इसको या दूसरा विकल्प रख के हल करेंगे। तो 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 7 और 2 की पावर 7 का मान 128, यहाँ पे 2 की पावर 6 हो जाएगा 64 होगा और दोनों का योग 48 से कहीं ज़्यादा होगा, इसलिए हमको ये विकल्प देखने की जरूरत नहीं है और इस विकल्प पर आंसर नहीं आएगा। दूसरा विकल्प देखते हैं 4 रख करके, हम ए वाला विकल्प रखें, दूसरा हम बी वाला रखते हैं 4, 2 की पावर 4 + 2 + 2 की पावर 4 + 1 और इसमें 2 की पावर 4 + 2 हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 5। तो ये 2 की पावर 6 = 64 होता है, ये 32 होता है, दोनों का योग 96 हो जाएगा जो 48 के बराबर नहीं है, इसलिए ये विकल्प भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम तीसरा विकल्प इस पे देखते हैं और इसमें तीसरे विकल्प पे हमें रखना है x का मान 3। x का मान 3 हम रखेंगे तो 2 की पावर 3 + 2
प्लस 2 की पावर 3 प्लस 1, जहां पर भी x लिखा था हमने वहां पे मान 3 रख दिया। और इसको हम हल करके देखते हैं तो 2 की पावर 3 2 5, 2 की पावर 5 का मान 32, और यहाँ 2 की पावर 3 1 4, 4 का मान हो जाएगा 2 की पावर 4 का मान 16, तो 32 और 16 का योग 48 हो जाएगा। और यही हमको बताना था कि इसका इसका योग क्या रखें x का मान, जिससे इन दोनों का योग करने पर 48 आ जाए, और ये हमारा 3 रखने पे 48 आ रहा है, इसलिए ये आंसर हमारा सही है। इसके लगाने के लिए भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाने का तरीका ये है, हम उसको भी बताए दे रहे हैं, थोड़ा सा उस पर समय ज़्यादा लगता है, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हमने सरल तरीका आपको बताया है, दोनों को आप देख लीजिएगा जो आपको समझ में आ जाए या सरल लगे। 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 = 48 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1। और इसमें हमने एक चीज ये अभी आपको बताया था कि जो योग होता है घातों पे मल्टीप्लाई में होता है, तो ये अगर 2 की पावर x प्लस 1 × 2 की पावर 1 लिख दें तो इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा, और इधर 2 की पावर x प्लस 1 = 48 इधर आप लिख दीजिए और इधर बराबर 48। अब 2 की पावर x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे दोनों तरफ से, इससे इससे दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2, क्योंकि पावर 1 सब सारी संख्याओं पे लगी होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती, यहाँ पे 1 बचेगा और ये हो जाएगा 48। थोड़ा यहाँ देखिएगा आगे से, 2 की पावर x प्लस 1 = 48/3, चूंकि ये जो 2 1 3 है इसके साथ गुणा में है, और इस पार जब आएगा बराबर के उधर जाने पर ये बटे में जाएगा, तो इधर आ जाएगा 16, और यहाँ 2 की पावर x प्लस 1 = 2 की पावर 4, 16 को हम 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये आधार दोनों तरफ बराबर, हमने एक नियम ये भी बताया था कि बराबर के इस उस पार जब आधार बराबर होते हैं तो घातें भी बराबर होती हैं, तो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 4, एक इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 1 = 3 आ जाएगा, ये 3 हमारा आंसर आ गया इसमें। तो इस तरह से आपको घातांक सिद्धांत के कुछ सवालों को हल करने हैं, और देखिएगा जो सवाल नहीं आएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और उस पर हम आपको उन सवालों का हल भेज देंगे या फिर वीडियो के माध्यम से ही बताएंगे। लाइव भी हम लोग बहुत जल्द आ रहे हैं, इसलिए आप इंतज़ार करें लाइव का, तो लाइव में आप सारी समस्याओं को लाइव भी पूछ सकते हैं, उनके लाइव भी पूछ सकते हैं, शुरुआत हो गई है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहिए, चूंकि परीक्षाओं के लिए अभी समय है, इसलिए आप लोगों के लिए चूंकि घर पे बैठे हैं कोई मैटर ना होने की वजह से इसकी शुरुआत की गई है, तो बेस्ट ऑफ लक अगली क्लास के लिए, और आप अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू।